हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम बनाएंगे कोल्ड कॉफ़ी। सो ये बहुत ही सिंपल और इजी वे है कोल्ड कॉफ़ी बनाने का। सो सबसे पहले मैं इसमें 2 टीस्पून शुगर ले रही हूँ एंड अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून कॉफ़ी डालूंगी। आई एम जस्ट गोना मेक अ गुड फ्रॉथ। हाँ, ये मैंने पानी अभी मैंने 1 टीस्पून डाला था, उसके बाद मैं जब फ्रॉथ बना रही तो मैंने फिर एक और 1 टीस्पून डाला था इसमें वाटर, और ये इसमें फ्रॉथ बन गई है। आप देख सकते हैं थोड़ी सी लिक्विडी है बिकॉज हम ज़्यादा इसको थिक नहीं रखें, बिकॉज हम लोगों को इसमें भी आइसक्रीम वगैरह डालना है और फिर हम लोग इसको विस्क करेंगे तो अपने आप थिक हो जाती है। ओके, सो आप देख सकते हैं इसको ऐसे ही रखना है। नाउ जस्ट गोना ऐड मिल्क। ये चिल्ड मिल्क है क्योंकि हम कोल्ड कॉफी बना रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल चिल्ड मिल्क है। ओके, सो मैंने यहाँ पे 200 ml मिल्क डाला है और इसमें मैं क्योंकि रेस्ट ऑफ द अमाउंट में ज़्यादा आइसक्रीम डालना चाह रही हूँ, उससे बहुत ही रिचर और थिक एकदम टेस्ट आता है, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ पे 2 स्कूप आइसक्रीम के डाले एंड अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि एकदम इवनली आइसक्रीम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हमारे कोल्ड कॉफ़ी में। एंड अब थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए ग्लास को ये मैं हर्शीज़ डाल रही हूँ साइड्स में। ये बहुत आई कैचिंग लगता है और बहुत ईजी होता है, मतलब बहुत जल्दी आपको ये बन जाता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, जस्ट रैंडमली आपको कहीं पर भी डाल देना होता है एंड वो प्रिटी ही लगता है। उसके बाद अब हम इसमें अपनी कोल्ड कॉफ़ी डालेंगे। सो यहाँ पे हम थोड़ी आइस डालेंगे बिकॉज जब तक कोल्ड कॉफ़ी एकदम चिल्ड ना हो तब तक मज़ा नहीं आता है। एंड यहाँ पे हम ऊपर से भी इसके ऊपर चॉकलेट आइसक्रीम डालेंगे, फिर हम चॉको चंक्स डालेंगे। और हाँ, एक और चीज़, मैंने इसको, मेरे बच्चों को चॉको फिल्स बहुत पसंद है इसीलिए मैं इसके ऊपर चॉको फिल्स डाल रही हूँ, वो बहुत इन्जॉय करते हैं। और आप भी एक बार इसे ट्राई कीजिएगा, चॉको फिल्स बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है आइसक्रीम के साथ। सो डू लेट मी नो कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, डू ट्राई इट एट होम।